सिर्फ पूनम का ही परिवार नहीं है जिनके बच्चे कोरोना काल में पढ़ाई से दूर हो गए। लखनऊ में ऐसे कई परिवार हैं जो स्मार्टफोन खरीदने की हालत में नहीं है और इसी वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में बिखरी हुई किस्मत को समेटने का काम सूबे के कई परिवार कर रहे हैं, जो अपने सामने ही अपने ही बच्चों की पढ़ाई को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। दरअसल कोरोना काल में शुरू हुई ऑनलाइन पढ़ाई से करोड़ों बच्चे दूर हो गए और वो दूरी बनाई है स्मार्टफोन, जो गरीबी के हालात में किसी सपने से कम नहीं है। पूनम के घर के बाद एबीपी गंगा की टीम लखनऊ के बार बिरवा के परिगवाक में राजू के घर पहुंची। राजू सब्जी विक्रेता, कच्चा मकान, चूल्हे पर ही बनता है खाना। हम इस समय बारा बिरवा के बरगवा में मौजूद हैं। यहाँ पर भी हम हकीकत जानेंगे कि आखिर सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं इस साल, जब वो कोरोना काल में स्कूल नहीं जा पा रहे, तो ऐसे में वो घर पर कितना सीख रहे हैं, उनके पास ऑनलाइन पढ़ाई का क्या साधन मौजूद है। इसी की जमीनी हकीकत देखने के लिए हम जब यहाँ पर पहुंचे तो इस समय हम मौजूद हैं रानी और राजू के घर में। ये आप देख सकते हैं घर, क्या एक झोपड़ी बनी हुई है। झोपड़ी के अंदर हम चलेंगे, देखेंगे कि इनके जो बच्चे हैं वो आखिर कितना पढ़ पाते हैं, कितना जानते हैं और इनके पास पढ़ाने के क्या क्या साधन यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कच्ची सी झोपड़ी, पत्थर लगे हैं, छप्पर पड़ा है, यही इनका आशियाना है घर में। गैस का चूल्हा तक नहीं है, किस तरह से यहाँ पर लकड़ी पर खाना पकता है। राजू के हालात देखकर अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि इस घर में स्मार्टफोन सिर्फ सपनों तक सीमित होगा। इसी गरीबी की चादर को उतार फेंकने के लिए राजू ने अपने बच्चों को चार दीवारी में सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने चारों बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा। लेकिन कोरोना काल में बंद हुए स्कूल, तो पढ़ाई भी मानो बंद हो गई। स्मार्टफोन नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई नसीब तक नहीं। चार कौन कौन सी कक्षा में? एक आठवें में है बड़ी लड़की, और दूसरे में है और तीसरे में है। अच्छा, तो ये बच्चे कोरोना में स्कूल तो जा नहीं रहे, तो पढ़ाई कैसे करते हैं? घर ही में बैठ के अपने जैसे समझ पढ़ते हैं, नहीं हम लोग पढ़े हैं नहीं, पढ़े नहीं है तो। अच्छा, ये ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है मालूम है? हमको नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। अच्छा, घर में मोबाइल कौन सा है? बटन वाला है। आधुनिकता के दौर में पढ़ाई को ऑनलाइन करने वालों ने अपनी सोच से लगता है ऐसे परिवारों को अलग कर दिया है। सरकारी स्कूल में अपनी किस्मत लिखने वाले बच्चों के लिए घर की चार दीवारी में किताबें किसी सामान से कम नहीं रह गई, क्योंकि माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और स्मार्टफोन न होने की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई हो नहीं पा रही। ऐसे में अपने ही सिलेबस से अनजान नजर आते हैं। किताब कौन सी ये है? अपनी किताब बेटा हमें दिखाना, और ये बताओ किताब का नाम पढ़ लेते हो? किताब के ऊपर ये जो किताब है, ठीक है बेटा, ये इस किताब में ऊपर क्या नाम लिखा पढ़ सकते हो? पढ़ो, नहीं आता? अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, ये देखो किताब के अंदर जो है इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो भी बनी है। ये क्या लिखा? अच्छा, ये पढ़ लेते हो बेटा? कृष्णा नहीं पढ़ पाती है। मैं इसको आता है। अच्छा, आपको आता है कि नहीं? आपको नहीं आता। तो हमने देखा कि कृष्णा जो कहने के लिए क्लास सेकंड में है, दिसंबर आ चुका है, सत्र खत्म होने पे है, लेकिन किताब का नाम पढ़ना हो या पहला चैप्टर कुछ भी नहीं आता है। लिखा है किताब का नाम पढ़ लेते हो? देखिए कि चैप्टर का नाम तो छोड़िए, जो किताब का नाम है वो भी ये बच्चे अभी नहीं पढ़ पाते हैं। ये हकीकत है इस कोरोना काल में जब स्कूल बंद है। इन बच्चों का भी दोष नहीं जो स्कूल गए ही नहीं अपनी क्लास में, क्योंकि स्कूल बंद है, जिनके पास और कोई साधन नहीं तो वो पढ़ेंगे क्या? राजू का बेटा क्लास सेकंड में पढ़ता है, जिसको अपनी ही किताब का नाम पढ़ना नहीं आता, तो वे राजू की बेटी भी क्लास सेकंड में पढ़ती है। लेकिन कोरोना काल में पढ़ाई ऑनलाइन हुई तो राजू की मजबूरी आधुनिकता से दूरी की वजह बन गई। इसके साथ ही राजू की एक और बेटी है जो क्लास थर्ड में पढ़ती है, उसके हालात भी ज्यादा जुदा नहीं। अच्छा बताओ, इस साल तो स्कूल गए नहीं, छुट्टी मना रहे हो घर पे? अंकल स्कूल बंद है अभी, तभी हम लोग घर पे पढ़ाई करते हैं। तो घर पे पढ़ते कैसे हो? थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, जैसे पढ़ पाते हैं। आपकी किताब कौन सी है? थर्ड क्लास की दिखाओ अपनी किताब। अच्छा, ये बताओ कि ये कौन किताब है? ये है। अच्छा ये बताओ, इसमें ये पढ़ी है अभी आपने किताब अपनी?
अभी नहीं पढ़ी है। इस पे क्या लिखा है ऊपर, ये पढ़ लेते हो किताब में? आपको हिंदी क्या कह रहे हो? अरे थोड़ी थोड़ी हिंदी आती मगर ये पूरा ज्यादा नहीं आती। अपनी किताब का नाम नहीं पढ़ सकते हो आप? नहीं। आप देखिए ये बच्चे हैं, क्लास थर्ड में ये बच्ची आ चुकी है लेकिन वो अपनी किताब का नाम भी नहीं पढ़ सकती है। ये चीज़ें तो बहुत पहले से पढ़ा दी जाती हैं, यानी ये जान सकते हैं हम कि इनकी नींव, जिसकी बात कही जाती है कि बच्चे की अगर नींव मजबूत होगी तो वो आगे जाकर और कुछ पढ़ेगा, लेकिन यहाँ तो नींव जो है उसी की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं अभी। अच्छा, इसमें कुछ पढ़ना आता है आपको? अपनी किताब। कोरोना काल को देखते हुए ऑनलाइन स्टडी की एक योजना तैयार की गई, लेकिन लगता है गरीब और मजबूरी में तंग हाल जिंदगी जीने वाले बच्चे उस योजना में कहीं खड़े नजर नहीं आते। सत्र खत्म होने के बाद बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा और इसी के साथ अधिकारी अपनी पीठ थपथपा लेंगे कि बच्चों का साल बर्बाद नहीं हुआ। लेकिन ऐसे प्रमोशन का क्या फायदा जिसकी जानकारी तक बच्चों को नहीं। फिलहाल मुल्क के भविष्य की नींव में मट्ठा डालने वाले अधिकारियों को इन बच्चों की फिक्र तक नहीं। जो बच्चे कोरे कागज के तौर पर स्कूल की दहलीज पर खड़े थे वो आज भी उसी कोरे कागज की तरह है, जिनको आंखड़ का ज्ञान तक नहीं और सारी योजनाएं सुविधाओं के साथ ऊंचे तबके के परिवार के बच्चों के घरौंदे में खेल रहे। ये कहानी भविष्य के सिर पर छाए घने बादलों की है, लेकिन फर्क किसे पड़ता है? कोरोना काल में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के क्या हालात हैं, वो कितना सीख रहे हैं, हमने इसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की और जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो काफी भयावह और डराने वाली है। कई बच्चे अपना सिलेबस तो छोड़िए किताब का नाम तक नहीं पढ़ पाते। ऑनलाइन पढ़ाई की बात होती है लेकिन इन परिवारों में जब हम गए तो उनको ये भी नहीं पता कि आखिर ऑनलाइन पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है। उनके लिए अपने घर में 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है, ऐसे में वो कहां से स्मार्टफोन लाएं और कहां से उसके लिए डेटा। ऐसे में सवाल ये कि ये छात्र छात्राएं प्रमोट तो हो जाएंगे लेकिन इनका भविष्य क्या होगा। सवाल ये भी कि जिनके ऊपर इन बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी है, आखिर उनके पास इन हालात से निपटने की क्या कार्य योजना है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।